दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक ना होने की वजह से? आप भी बहुत ज़्यादा लाइन में लगे रहते हो आधार कार्ड के सेंटर में, जब आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर ना हो पाए। दोस्तों, आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर आप प्रिंट भी निकलवाते हो तो आपको मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, हम घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए ही आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करते हैं। दोस्तों, ये UIDAI की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया है, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊँगा कि खुद करके बताऊँगा। अपनी एक फैमिली मेम्बर का जो बाकी था, मैं उसे कम्प्लीट करूँगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो कर देना यार, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। और नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक गूगल क्रोम खोल लेना है अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र। उसके बाद आपको उधर आपको गूगल पे यानी कि आपके पेज पे UIDAI टाइप करना होगा, जो कि आधार कार्ड का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इधर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, UIDAI का एक ऑफिशियल पेज खुल गया है। तो आपको ऐसे नीचे नीचे करके आना है, तो आप बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा, वीडियो केयरफुली देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इधर आप देख सकते हो, एक सेकंड में आपको मार्क कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑर्डर आधार ई रिप्रिंट, ठीक है, ऑर्डर आधार रिप्रिंट, ठीक है। अभी इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको साफ साफ बताया है कि ऑर्डर आधार कार्ड रिप्रिंट इज ए पेड सर्विस, यानी कि ये पेड सर्विस से अभी भी निकला है। इफ़ यू नीड रिप्रिंट ऑफ और आधार कार्ड लेटर पोस्ट, आगा आपको प्रिंट निकलवा चाहिए, अपडेट और ड्यू टू लॉस ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड आपका खो गया है, तो मिनिमम आपको पेमेंट करना होगा 50 रुपये, और प्रिंट कर सकते हैं अपने, अगर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आधार कार्ड में नहीं है फिर भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, इधर आपको आधार कार्ड लिखना है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड है आपको ये वाला यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो आधार कार्ड मैं इधर फिलअप करता हूँ अपने एक फैमिली मेम्बर का, दोस्तों मैंने अपने आधार कार्ड फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद इधर आपको ये कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड देखना है, 64VR9, ठीक है। मैंने आधार नंबर भी फिलअप कर लिया, उसके बाद सिक्योरिटी कोड भी फिलअप कर लिया। लेकिन दोस्तों अभी इधर एक दो ऑप्शन है, सेंड OTP, एंटर OTP। हमारे पास OTP अभी नहीं है तो इसको छोड़ दिए। सेंड OTP भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर नहीं है, तो अब कैसे करेंगे। इधर एक ऑप्शन है दोस्तों, इधर टिक वाला ही, जो माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, बस इधर आपको क्लिक करना हो। ये है नया, मतलब जो फीचर्स में जो बोल रहा था। इसके बाद जो नीचे इधर आपको अपना नया वाला मोबाइल नंबर देना होगा, जो कि फ्रेश हो, ठीक है। मैं दे लेता हूँ, नंबर वही चूज कीजिए दोस्तों जो कि पहले कभी किसी आधार कार्ड में ना हो, ऐसे करने से ज़्यादा। लेकिन ये मैं जो नंबर दिया हूँ ये एक आधार कार्ड से अटैच है, फिर भी देखता हूँ। उसके बाद आपको इधर सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लिक तो हो चुका है, और इधर लिखा भी आ रहा है कि OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। अभी मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका है। मैं इधर OTP डालने के लिए कुछ होगा, तो इधर देखिए, इधर मैं देता हूँ 530810 530810। दोस्तों मैंने OTP डाल दिया है, इधर आपको चेक करना होगा टर्म्स एंड कंडीशन का। मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, आपको पेमेंट का एक पेज खुल जाएगा, जो आपको पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है 50 रुपये का। तो इधर प्रीव्यूज नॉट अवेलेबल होता है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। इधर मेक पेमेंट पे क्लिक करके, जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे दो, तो बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि आपको 50 रुपये पेड करना होगा, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर UPI से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं, इधर बहुत सारा ऑप्शन है, मैं इधर क्लिक करूँगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड करने के बाद इधर मैं कार्ड नंबर दूंगा और नेम
जो नया है आपका एटीएम कार्ड में एक्सपायरी, उसके बाद सीवीवी, उसके बाद पे करना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो दोस्तों आपको उसका भी सुविधा मिलता है। तो ऐसे करने के बाद आपको पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इजी है ये करना, क्योंकि अगर आपको ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर नहीं है तो आप आधार कार्ड नहीं निकल सकते। तो ऐसे में आपको बहुत ये सुविधाजनक है कि 50 रुपये दे के आप करवा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला कुछ जानने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपका वीडियो बहुत अच्छा था। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।